You know, my heart fills with real pain to share with you all that today probably will be my last satsang in Dubai, since I am leaving Dubai and relocating. So I won't take much of your time. Very briefly, I'll tell you that I came to Dubai in 2015, January of 2015. So here, coming a few days before, my friend gave me Guruji's Swaroop. This again is a miracle. You know, usually one Swaroop is there. So this was Swaroop Guruji's. Probably a little smaller than this one, laminated Swaroop. Until then, I didn't know Guruji and I didn't believe him. So I kept him in my luggage, Swaroop, and I came to Dubai. तो जहाँ सर्विस अपार्टमेंट में रुका था आके फर्स्ट फ्यू डेज, तो निकाल के कभी मैंने एक शेल्फ पे रख दिया, फिर बेड पे रख दिया, फिर वापस लगेज में रख दिया, फिर अपने ऑफिस के बैग में रख दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ. बिकॉज आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट बिलीव इन यू. सो इन माई हार्ट आई न्यू दैट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू समबडीज ब्लेसिंग प्रॉब्ली दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू मी. बट मैं ह्यूमन फॉर्म में नहीं मानता, मैं गुरु नानक देव जी को शुरू से बचपन से माना है. तो फिर धीरे धीरे लेमिनेटेड पोस्टर को मैंने फोल्ड कर दिया और अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रख दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर. फिर दिमाग में आया कोई मेरा ड्रॉअर खोलेगा तो बोलेगा कि ये क्या रखा हुआ है, ये कौन है, ऐसी फोटो रखी हुई है. फिर उसको डबल से फोर फोल्ड करके, मल्टी फोल्ड करके फिर वापस अपने बैग की पॉकेट में डाल लिया. एंड ग्रेजुअली आफ्टर प्रॉब्ली आफ्टर अराउंड टू वीक्स, एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, इधर उधर रखता जा रहा हूँ. तो सॉरी गुरु जी, बट आई डिड अ ब्लंडर. बट मैंने उसको क्रम्बल करके जहां मेरी गाड़ी पार्क होती थी उसके पास एक बॉल पे रख दिया. मैं कहा मैं आपको नहीं मान रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, तो ये ब्लेसिंग्स जिसके लिए उसके पास पहुंच जाएगी. सो दिस हैपेंड प्रॉब्ली इन जनवरी फरवरी ऑफ 2015. आफ्टर दैट माय यू नो लाइफ वाज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी बैड. इट वाज यू नो टफ डेज फॉर मी टू सेटल डाउन इन दुबई सिंस आई हैड कम इन जनवरी. तो चलते चलते मार्च आ गया एंड दिस वॉज द फेस्टिवल ऑफ होली. So I got a text from somebody and it was an invite for satsang on the festival. It was Friday or Holi thi. So Amit Gandhi uncle ke ghar satsang tha. So mujhe address bataya gaya and I walked up to that place. Wahan jaake kone pe baith gaya. To matha theki aur shabad chalte rahe. I did not realize wo shabad ke saath aisa relate kiya ki main baitha hua hu aur I was profusely crying like a baby. To continuously rota raha. Baad mein uth ke langar chak ke uth ke chala gaya. फिर मैं मैंने सोनिया आंटी को के थ्रू ग्रुप में ऐड हो गया. फिर भी समझ में नहीं आई कि दिन में 50 बार 100 बार जय गुरु जी लिखा हुआ आ रहा है, लोग अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं. आई कुड स्टिल नॉट रिलेट टू इट. आई वाज रादर आर्ग्यूइंग विद हिम दैट आई मीन इफ यू आर गॉड आई स्टिल कांट बिलीव इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ योर्स. तो वो चलते चलते फिर मैंने आई हैड अ डेयर, आई वाज रादर फुलिश. मैंने वो ग्रुप भी एग्जिट कर दिया कि मैं ये रोज जय गुरु जी क्या पढ़ता रहता हूँ. तो मैंने वो ग्रुप भी एग्जिट कर दिया. पूरा अगला 7-8 महीने जो साल के थे 2015 के, देवर अ बिग मेस. चलते चलते टाइम निकल गया, 2016 शुरू हुआ और फिर मार्च आया. तो एक संगत है, मेरे फ्रेंड हैं, वो दिल्ली से आए हुए थे. तो एक रात पहले होली थी, फिर अगेन होली आई और हम लोग रात को बैठ के डिनर वगैरह कर रहे थे. तो मैंने कहा जब टाइम खराब होता है तो इंसान कहीं पे भी जाके माथा टेकता है, कोई मंदिर चला जाता है, कोई दरगाह पे पीर बाबा के पास चला जाता है, कोई अंगूठियां पहनने लग जाता है, मालाएं पहनने लग जाता है. तो ऐसी किसी ने मेरे को एक बार कहीं गुरुजी के पास भी भेजा था पिछले साल. एंड इमीजिएटली सेड के गुरुजी मैं गुरुजी नु मानना, तू एक काम कर कल मेरे नाल सत्संग पे चल. तो मैं कहा चलो ठीक है, होली का फेस्टिवल है तो मैं फ्री हूं तो मैं चलता हूँ. एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट सत्संग फिर अमित गांधी अंकल के घर, और मैं फिर वहां पे पहुंचता हूँ और उसी जगह पे जहां मैं पिछले साल बैठा था एग्जैक्टली दरवाजे के पीछे वहीं मुझे जगह मिलती है. मैं फिर बैठ जाता हूँ और आइडेंटिकल शब्द आता है और मैं फिर रो रहा होता हूँ. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, अभी पीछे आंटी ने बोला था कि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरे पास नहीं आ रहा तो गुरुजी कम्स टू यू. सो दैट्स हाउ गुरुजी केम टू मी टू ब्लेस मी इन 2015. आई डिड नॉट एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स. तो फिर उसके बाद में सत्संग में रेगुलर जाना शुरू हुआ. तो एक बार एक सत्संग था JBR में, इस दौरान भी सॉरी मैं थोड़ा सा यू नो ज्यादा बोल रहा हूँ, बट इस दौरान भी मैं ना रिटायर थोड़ा सा व्हेन आई यूज्ड टू फील हेजिटेंट व्हेन पीपल यूज्ड टू गिव मी लॉकेट और कीचेज और सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता था कि अगर सत्संग के बाद कीचेज वगैरह दे रहे हैं कि मैं इसको कहां पे संभालता रहूंगा. तो वो करते करते एक पर्टिकुलर सत्संग में मैं सत्संग खत्म होने के बाद आज्ञा लेने के लिए दरबार में आया. तो गुरुजी की एक बिलवेड संगत है, शी सैट समवेयर हेयर इन दैट पर्टिकुलर सत्संग इन JBR एंड शी टुक अ A4 साइज एनवेलप और उसमें से निकाल के गुरुजी के स्वरूप के प्रिंट आउट हैंड ओवर करने लगी जो आज्ञा लेके जा रहे थे. तो मुझे फिर लगा, मैं कहा अभी फिर गुरुजी का स्वरूप मेरे को देंगे, सो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट इट, दिस टाइम आई टेक इट. तो जैसे मैंने आज्ञा ली, गुरुजी का स्वरूप मेरे को मिला, मैंने ऐसे करके छाती के साथ लगाया, मत्था टेक के चला गया.
तो जब मैं बाहर निकला और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, एंड यू विल बी शॉक्ड एंड प्लीज बिलीव मी व्हेन आई से सो, जो स्वरूप मैंने फाड़ के या मरोड़ के फेंका था, विच वॉज दिस स्वरूप, जो स्वरूप मेरे पास आया सेम स्वरूप था, चारों तरफ से फटा हुआ था और उसके अंदर क्रैक्स बोले या क्रम्बल्स बोले, रिंकल्स बोले, बिल्कुल ऐसा था जैसे यूज्ड और किसी ने मोड़ के वापस सीधा करके वो स्वरूप मेरे को हैंड ओवर किया है. विच वॉज सो हार्ड टू बिलीव कि कोई गुरुजी का स्वरूप फटा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा करके या फाड़ के नहीं देगा किसी को. सबको फ्रेश A4 साइज मिल रहे थे, मुझे उससे छोटा मिला, चारों तरफ से फटा हुआ मिला और बिल्कुल उसके अंदर क्रैक्स और रिंकल्स थे. सो दैट वॉज गुरुजी's वे ऑफ यू नो ब्लेसिंग मी एंड गिविंग मी द ट्रू लव. देयर आफ्टर लाइफ वॉज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग चेंज फॉर मी एंड देन मैं रेगुलर सत्संग में आता रहा, गुरुजी बुलाते रहे, सब अच्छा चलता रहा. And during this time, he gave me the wisdom, you know, that life is a roller coaster. जो आप मानते हो वो सब नहीं मिलता, जो गुरुजी देना चाहते हैं वो मिलता है. You know, if you crave for life, if you want life and you keep running behind it, life rather moves away from you and runs away from you. तो सब कुछ accept किया and then now it has come a time when Guruji has decided that I should let the facts be facts and then move on and relocate from Dubai. So thank you Guruji, thank you very much for everything. आपने जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया मेरी समझ से ऊपर है उसके लिए भी. So I will be praying for everyone for the best of health, wealth and happiness always. जय गुरुजी. एक छोटी सी privilege.